मेरा कैमरा कौन सा है ये वाला वन आरुषि वन है Hello and very good afternoon. I, Anudivan, welcome you to live interactive session and you are watching eVidya channel number 9. Our today's session is for science. The chapter name is Cell, the fundamental unit of life. And for this, we have our expert, Ms. Poonam Katyal in the studio. Hello, ma'am. A very good afternoon. Thank you, ma'am. Ma'am is TGT, retired natural science teacher. Ma'am will teach us about this chapter today. And student if you have any queries on this chapter, please call us on 8800 440 and also email us your queries on dth.class9 at cit.nic.in. Before we begin with the session on G20, we are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G G20 leaders summit for the first time in the country, a nation Deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam that is, world is one family. So, listeners, viewers, and our and our students associated with us, let's begin with the session. Ma'am, the chapter name is Cell, the fundamental Unit of life. Yes, ma'am. So before we begin with the chapter, let's understand what cell is. Yes. Thank you, Anu, ma'am. Uh, blessed afternoon children, educators, everyone here. आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई मस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि उसी क्वेश्चन को देखते हुए hmm. पता लग जाएगा कि आज क्या रिवील होगा बिल्कुल. ठीक है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी देन माई सेकेंड क्वेश्चन इज each cell must be able to do different functions to keep it alive is it a true statement or false again put it on your notebook my third question is all organisms they are made up of more than one cell again my question is whether it is true और फॉल्स मैम अगर नहीं भी पता होगा तो चैप्टर के एंड तक बच्चों को इसका आंसर मिल जाएगा और जी. पता चल जाएगा कि उनका स्कोर क्या है एग्जैक्टली exactly. <coughs> वैसे हम कोई टेस्ट नहीं कर रहे यहाँ बस एक खाली पॉइंट ये रहता है कि बच्चों को भी क्यूरियासिटी आ जाए जी कि जी हमने पढ़ना क्या है सो लेट्स बिगिन बच्चो ये मेरे सामने एक पिक्चर है लुक एट दिस पिक्चर दीट दिस इज अ पिक्चर ऑफ हाउस किसका बना होता है मैम बताइए This घर किस चीज का बनता है Bricks. Yes. Bricks, cements, Cement, sand, anything, clay, hmm. कुछ भी हम यूज कर सकते हैं बट एक चीज अगर आपने देखी होगी चाहे हम उसका जो मिडल पार्ट है जिससे hmm. हम उसको ज्वाइन करते हैं वो अलग हो सकता है लेकिन ब्रिक्स जो उसकी यूनिट है तो वो कॉमन रहती वो है रहती बिल्कुल है। सेम वे जिस तरह से एक घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की जरूरत होती है सेम वे हमारी बॉडी को भी बनाने के लिए कुछ एक ऐसी यूनिट्स की जरूरत होती है वो हम अब देखेंगे और शायद आगे आगे पता ही लग जाएगा कि इस टाइप की जो यूनिट्स हैं वो क्या फंक्शंस करती हैं राइट सो चिल्ड्रन Uh, हम जब भी कभी किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो चीज़ आई कैसे उसकी इन्वेंशन किसने की हम वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू द साइंटिस्ट आल्सो तो दिस फेलो इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट होक इन 1665 एक्चुअली ही डिस्कवर्ड सेल ये भी इनसे बिल्कुल बाई चांस हो गया था इन्होंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया था क्या किया कि इन्होंने कॉर्क सेल लिया था विच इज अ डेड पार्ट और उसकी स्लाइसेस को इन्होंने देखा लेंसेस के थ्रू क्योंकि उस टाइम तक माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर्ड नहीं थे तो इन्होंने लेंसेस के थ्रू देखा मैग्निफाइड करके और उसको जब देखा तो इन्होंने क्या देखा कि जो सेल का जो कॉर्क सेल थी कॉर्क था उसके अंदर ना जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना बिहाइ वैसी स्ट्रक्चर दिखा जैसे कि हम आपके सामने दिखा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि ईच कंपार्टमेंट ये जो पार्ट बने हैं जैसे स्मॉल रूम्स होते हैं mm -hmm. और ये जो रूम्स थे उन्होंने इसको सेल कह दिया एक्चुअली होता क्या है कि जितने मोंग्स होते हैं ना वो छोटे छोटे सेल्स में रहते हैं तो वहां से ये टर्म आ गया सेल अदरवाइज कोई और पार्ट नहीं था कि क्यों इसको सेल कह दिया क्योंकि बहुत स्मॉल यूनिट होती थी सो फ्रॉम हियर दिस टर्म हैज़ कम और रॉबर्ट हुक को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी और ये टाइनी बॉक्स हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में होते हैं लेकिन रॉबर्ट हुक के टाइम पे जो डिस्कवरी हुई थी सेल की उन्होंने सिर्फ प्लांट्स और फंगाई में ही देखा था तो उन्होंने उसी को मेंशन किया लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशनस uh, होती जाती हैं रिसर्चेज होती जाती हैं तो और भी बातें पता लगती हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आया दैट वॉज़ दी सेल थियरी और ये जो सेल थीरी थी एक्चुअली जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है कि एक थ्योरी दी गई कि जो सेल के बारे में बताएगी क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो उनके टाइम पे कह दिया कि सिर्फ प्लांट्स और फंगस में है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्या होगा तो एक साइंटिस्ट थे ये श्लीडन उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स और एक साल के बाद दूसरे साइंटिस्ट थे शुन ये फ्रेंड्स थे और उन्होंने बता दिया कि नहीं एनिमल्स भी वो भी सेल के बने हैं तो यहाँ से एक बात क्लियर ये हो गई थी कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हो सभी सेल के से बने, होते, बने है। होते हैं और आफ्टर 19 इयर्स ऑफ देयर रिसर्च ये श्लीडन और श्वान यहाँ पे सेल थेरी आ गई इसके बाद वर्काव आए और उन्होंने कहा कि अगर सेल प्लांट्स में भी हैं एनिमल्स में भी है तो ये आए कहाँ से तो उन्होंने बोला कि देर आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कोई भी चीज़ अपने आप नहीं पैदा हो सकती hmm. Hmm. कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल होगी और ये बात बिल्कुल सच भी थी hmm. कि जब तक कोई चीज़ ओरिजिनल ना हो hmm. तो कैसे आगे आएगा hmm. तो इन तीनों की जो थेरीज थी hmm. उसको मिला के मतलब सेल थियरी का टर्म दे दिया गया कि तो सेल थियरी जो है वो क्या कहती है कि ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दे ऑल्सो Arise from the pre-existing yes, cells. That. और ये जो श्लेडन और शोआन ने जब कहा था कि all the plants and animals they are made up of cells, तो ये इसलिए कहा था क्योंकि जितने भी structures हैं या जो functions हैं performed by the cells only. तो यहाँ से एक बात और भी निकल की आई थी cell theory से कि cell is the structural unit. unit. एंड व्हेन इट इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट तो ये कोई ना कोई काम भी करेगी भी और इसलिए वो फंक्शनल यूनिट भी, भी बन गई और इन दोनों से ही मिलकर बात बनी कि सेल इज दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो तब ये टाइटल मिला कि सेल इज दी फंडामेंटल यूनिट क्योंकि बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल दी फंक्शंस अब अगर हम सेल थ्योरी को डिफाइन करेंगे तो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम प्लांट्स हो या एनिमल hmm. इनके बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर्स के बने और इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई अब ऑल दो आर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस सो इट इज फंक्शनल यूनिट तो सेल सेल्फ्योरी फंडामेंटल टॉपिक कैसे आया hmm. ये मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया hmm. और आई थिंक सेल की जो थ्योरी है वो भी अब बच्चों को लाइफ टाइम याद भी रहेगी जी रहनी तो चाहिए <laughs> जी कोशिश तो यही है हाँ और फिर जो एक बात ये भी थी कि जितने जैसे प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं जब इन ये सेल्स बनते हैं तो इसके बाद सेल से टिश्यू बनता है फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है ऑर्गन से ऑर्गन <laughs> सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है ये बच्चों आप जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे आप इसको ये बातें रिवील होती जाएंगी और आपको भी पता लग जाएगा कि सेल क्यों इतनी इम्पोर्टेंट ठीक है, है तो ये जब जो हमने अभी सेल थ्योरी पढ़ी हमने कह दिया था कि स्ट्रक्चरल यूनिट अब बच्चों के मन में जरूर बात आ रही होगी कि मैंने ये स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे कह, कह दिया इसका एक प्रूफ भी तो होना चाहिए ना तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं देखिए अगर आप देखेंगे एक मैंगो है और दूसरा मैंने लिया है फ्रॉग अगर आप फ्रॉग का कोई भी पार्ट चाहे वो उसका लेग हो या स्किन हो या उसका ब्रेन हो आई हो सेम वे ऐसे मैंगो का hmm. भी फ्रूट ले लें सीड ले लें लीफ ले लें एनी पार्ट ऑफ दिस प्लांट हम अगर लेते हैं तो इट इज फाउंड दैट दे आर मेड अप ऑफ सेल तो यहाँ से स्ट्रक्चरल यूनिट बात आ गई hmm. अब दूसरी बात जो हमारी अगली बात आती है कि ये जो मैंगो है या ये फ्रॉग uh, का हमने एग्जाम्पल लिया अगर मैं कहती हूँ कि ये फ्रॉग जो है ये मूव करता है तो hmm. आपके मन में आएगा ना कि कैसे वो मूव कर लेता है hmm. तो हम कहेंगे कि इसकी मसल्स जो है, वो कंट्रैक्शन करती हैं, एक्सपैंड करती हैं तो ये मूव करता है फिर बात आएगी कि अच्छा फिर क्या मसल क्या है क्या तो है? तो मसल टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसका मतलब है कि जो मसल्स के अंदर सेल फंक्शन परफॉर्म करती थी उन्होंने ही उस पार्ट को जाके कहा कि भाई आपको काम करना है कर सेम वे ऐसे ही मैंगो के अंदर भी है कि अगर हम इसका कोई भी पार्ट लेते हैं अगर हम लीफ की ही बात कर लेते हैं तो लीफ फोटोसिंथिस करती है सब अच्छे जानते नहीं। हैं।, नहीं। हैं तो अब अगर दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाई द लीव्स एंड रूट्स दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल तो हमारे पास ये पता लग गया ना कि रूट सेल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज है जिससे कि दैट कैन एब्सॉर्ब वाटर दूसरी क्यों नहीं पार्ट ऑब्सॉर्व कर सकता तो यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि ये स्ट्रक्चरल हो गए और, और फंक्शनल तो ये मैंने अब एग्जाम्पल से आपको कोट कर दिया तो आई एम श्योर कि बच्चों को अब ये एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर हो गया सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ सेल्स एंड दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस हैज बीन एक्सप्लेनड हियर hmm. आप इसको एक बार ये देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने जो बात मैंने अभी वर्बली बोली है वो आपको इस स्लाइड में भी मैंशनड है कि क्यों इट इज़ अ मतलब वाई वी से इट एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट और इट एंड एज वेल एज फंक्शनल यूनिट अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल फ्लो डायग्राम के थ्रू किया कि हम लोग मूवमेंट uh, की बात जब मैंने फ्रॉक की करी तो मैंने मसल्स की बात की okay. लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं कि हमारा फूड डाइजेस्ट होता mm -hmm. है तो हम जब हमारे फूड डाइजेशन कहाँ से होता ना, है नेचुरली जो एनजाइम सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से और वो एनजाइम कौन सी क्रीट करता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर जो मतलब सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं तो ये फंक्शन उसने परफॉर्म कर दिया सेम वे से ही जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द पर्टिकुलर सेल्स तो अगेन फिर वहाँ से उसके बाद वो एनर्जी पूरी ट्रांसफ़र करता है खाते तो हम मुँह से हैं लेकिन एनर्जी तो हमारे पैरों में भी आ जाती है बिल्कुल तो सेल के थ्रू ही जी। का भी एक प्रोसेस होता है हाँ मतलब सारे प्रोसेस यस yes, कोई भी फंक्शन ले लीजिए जो अगर एक पर्टिकुलर अगर हमने स्ट्रक्चर कहा है तो उसका पर्टिकुलर फंक्शन इन सेल्स की ही वजह से है राइट क्योंकि हमने सेल को जी बिल्कुल नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स यहां पे मैंने क्यों क्योंकि बात कही है क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सेल सिंगल सेल है कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल भी पूरे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती भी। है इसीलिए तो ये फंडामेंटल यूनिट है और जब ये फंडामेंटल यूनिट हो गई अब कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया अकेली सेल तो ये सर्वाइव करती है एज एन ऑर्गेनिज्म इसका मतलब है कि हमारे हम नंबर के बेसिस पर भी कह सकते हैं कि हमारे सेल्स Cells, किस टाइप कितने टाइप है। के हैं अगर सिंगल सेल्ड है मतलब एक ही सेल है उस ऑर्गेनिज्म में तो हम कह देते हैं ये यूनि से वन या yeah, सिंगल और सेल टू सेल और इसका जो एनिमल्स की बात करते हैं तो अमीबा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है hmm. बच्चों को स्लाइड्स भी दिख जाती है स्कूल में अगर आप बच्चों अपनी टीचर को कहेंगे तो आपको अमीबा की स्लाइड भी स्कूल में बड़े आराम से दिखेगी अदरवाइज यू कैन गूगल ऑल्सो और इसकी इरेगुलर शेप होती है सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल दी फंक्शंस बाई मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग फूड टू दी जेशन part, respiration, hmm. reproduction means इट multiplies into two hmm. आप पढ़ेंगे आगे जाके binary fission होता है इसका तो सब ये जो एक अकेली सेल है वो सारे फंक्शन परफॉर्म right. करती है अब अगर जैसे मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो यानी मैनी सेल्स जैसे हम लोग हैं या प्लान्स हैं ये मल्टी सेलुलर हो गए इसके बाद हमारे कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फ्यू सेल्स होते हैं जैसे यूनीसेलुलर में सिंगल मल्टी hmm. में बहुत सारे बट हो सकता है कि हमारे बच्चों को कुछ एक बच्चों को जिन्होंने रीडिंग की होगा तो उन्हें पता होगा कि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कुछ सेल कुछ से, से, से भी ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं जैसे ओके। okay. एक एग्जाम्पल जस्ट कोट कर दिया फॉर देयर नॉलेज बट नॉट नेसेसरी कि आप उसको बिल्कुल ग्रेस्ट कर ही लीजिए यस yes, हाँ।, हाँ फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस ये हम आगे बच्चों पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं आपको मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि न्यूक्लियस के बेसिस पर भी हम सेल्स को डिफ्रेंशिएट uh, कर पाते हैं कि अगर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेमेटिव स्टेट का होता है प्रेमेटिव मतलब बिल्कुल बिगनिंग स्टेज का तो हम उसको बोलते हैं प्रो कैरियाड प्रो का मतलब होता है प्रेमेटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस तो यहाँ से उसका नाम आ जाता है प्रो कैरियाट तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए और इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया बैक्टीरिया जी और फिर यूकैरियोटिक यू का मतलब होता है ट्रू ट्रू, ट्रू। मतलब जो सच में चीज एग्जिस्ट करती, करती है।, है उसको हम यू बोलते हैं और कैरियन मतलब न्यूक्लियस तो जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस अब ये जो मैंने अभी पॉइंट रेस कर दिया ट्रू न्यूक्लियस तो एज वी गो ऑन आपको ट्रू न्यूक्लियस भी पता लग जाएगा कि क्या होगा जस्ट टू Create curiosity in you. और आप बैठ के सुनिए देखिए इस चीज को दैट इज वाई आई यूज दिस टर्म कि आप यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं ठीक <laughs> <laughs> है तो ये तो हो गए थे हमारे टाइप्स ऑफ सेल अब बच्चों आपके सामने एक देखिए मैंने एक घर की पिक्चर डाली है मैम आपने भी देख लिया होगा तो घर में हमारे क्या क्या होता है रूम्स होते हैं रूम डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है, है. है. जैसे कि बेडरूम है किचन है डाइनिंग रूम है जी और वॉशरूम है है हर एक रूम की ना अपनी इम्पोर्टेंस है बिल्कुल अगर मैं ये कहूँ कि मैं खाना बेडरूम में बना लूबल पॉसिबल। नहीं पॉसिबल तो है हो तो सकता है लेकिन हम सारी चीजें गैदर करके उठा ले के लेके जाए तो अगर हमारे पास एक कंपार्टमेंट होगा तो हम वहाँ पे आराम से काम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी ना यही बात होती है ऑर्गेनाइज्ड है तो हाँ, तो जब घर होगा तो हम सिर्फ किचन में ही खाना kitchen बनाएंगे, बनाएंगे। वॉशरूम में ही जाके हाँ। सारे काम वॉशरूम वाले ही करेंगे दिल्कुल दिल्कुल दिल्कुल। ये नहीं की टैप हमारे किचन में भी है तो हम वहां नहा ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे। सेम वे सेल के अंदर भी है okay. कि सेल इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि इसके जो जो पार्ट्स हैं इसके अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते, करते हैं।, हैं वैसे तो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं तो उनको हम सेल कंपोनेंट्स कहते हैं और जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हर एक सेल में है दीज आर थ्री सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज एंड न्यूक्लियस अब मैं वन बाई वन इनकी बात करती हूँ क्योंकि ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में इनको थोड़ा सा डिटेल में भी जानना है बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना अभी हम जब सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे आगे तो सेल मेम्ब्रेन इन ब्रीफ आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है okay. जैसे भी कोई चीज हमारे पास अगर है जब बलून अगर हम देखते हैं तो जो उसकी बाहर की मेम्ब्रेन है ना एग्जैक्टली वैसे कि सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन बलून जैसी तो नहीं होती मैंने जस्ट खाली मेम्ब्रेन के साथ आपको बताया लेकिन या लेकिन पूरी हंड्रेड परसेंट ही नहीं है ये लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना ये एक्चुअली क्या होती है कि ये पार्शियली चीजों को अलाउ करती है अंदर आने के लिए और बाहर जाने, जाने के, के लिए।, लिए जैसे कि हमारे घर के बाहर अगर चौकीदार है तो वो देखिए आपको अगर कोई अजनबी आ जाता है तो अगर वो पहचानता नहीं है कि इसका घर में जाना ठीक होगा या नहीं होगा तो अंदर नहीं आने नहीं वो अंदर आने ही नहीं, नहीं देगा अलार्म तो जो देगा सदेगा वो अलाउ ही नहीं करेगा हाँ। आने के लिए सेम काम सेल कर बिल्कुल चौकीदार एकदम चौकीदार की तरह लेकिन बच्चों प्लांट सेल्स होते हैं ना उनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है okay. अब वो जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है बहुत मतलब उसके वो सेल्यूलोस की बनी होती है एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स और वो सेलुलोर्स की बनी होने के कारण वो सेलुलोज जिसका हमारा पेपर होता है जैसे हमारे पेपर बनते हैं ना सेलुलोज के तो वो सेलुलोज़ उस सेल को एक शेप दे देता है और रिजिडिटी दे देता है तो जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो जाती है अब सेल वॉल जो होती है ना वो आज़ाद आ जाओ कोई भी आ जाए किसी को भी नहीं रोकता तो वो अंदर आने जाने देती है इसीलिए अगर आप देखिए कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं और अगर ज्यादा भी दे देते हैं ना तो वो रोकती नहीं है नहीं रोकते। नहीं रोकते। ना कि भाई आने दो क्योंकि सेल वॉल सबको अंदर आने देती है लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन है वो किसको अलाउ करेगी और किसको नहीं अलाउ करेगी यस वो पार्शियली परमिएबल होती है फिर दूसरा पार्ट था साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म साइटो सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज फिट रहते हैं yeah. और उसके अंदर वो फ्लोट करते रहते हैं देन तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस यस विच इज द एक्चुअली अगर हम इसको वैसे बात कहें तो ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है okay. जैसे हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है ना सेम वे एक सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस दिस इज कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस का जो जिक्र आया था अब आई थिंक स्टूडेंट्स को क्लियर हो हो क्लियर हो गया कि हाँ. ये न्यूक्लियस है लेकिन अभी हम न्यूक्लियस के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे तो वहां से प्रो और यू वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, जाए। हो जाएगा जी तो सेल मेम्ब्रेन जैसा कि हमने अभी आपके सामने बात कर दी थी कि आउटर कवरिंग है ये सिर्फ मैं रिवील इसलिए नहीं किया था पहले मैंने आपको स्लाइड में बच्चों कई बार क्या होता है हम देखकर भी बोलने लग जाते हैं तो जस्ट फॉर दैट रीजन कि जो दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग एंड इट परमिट दी एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड इट इज गो आउट And it is present both in plant cell and as animals. well as animal cell. Then, is the cytoplasm, which is consists of एनी थिंग मतलब जो चीज़ भी अंदर प्रेजेंट होती है सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर दैट इज दाइटोप्लास और ये जो जेल लाइक मटीरियल होता है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनलीज होते हैं और ये सेल ऑर्गेनलीज सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं देन कम्स द न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर यस दिस इज दंट्रोल सेंटर और ये जो न्यूक्लियस है एक्चुअली देखा ये इसके कुछ पार्ट्स हैं लाइक आउटर मेम्ब्रेन है विच इज़ दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद है न्यूक्लियो प्लाज्म इसके अंदर है देन न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट है और क्रोमैटिन ग्रैन्यूल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है एक ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली इट शुड ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम के साथ हाइड hmm. हो गई है यहाँ वाली लेबलिंग में अगर हम इसको यहाँ पर इस एरो को कर दें hmm. तो ये ठीक हो जाएगा एंड वील करेक्ट इट ऑल्सो ये आई थिंक स्लाइड्स के slides उसमें के. Uh, हिल गई है राइट right. तो अब आपने देखा कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये चार पार्ट हमने बता दिए अगर किसी भी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती या न्यूक्लियोलस नहीं होता या मतलब uh, कोई भी पार्ट इसका मिसिंग होगा तो दैट मीन्स इट इज द प्रो न्यूक्लियस बट क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स उसके अंदर जरूरी होने चाहिए बिकॉज okay. ये जो क्रोमैटिन ग्रेन्यूल है एक्चुअली दिस इज देरिडिजरी यूनिट the और हेरिडिटरी यूनिट का मतलब ये होता है कि ये कैरेक्ट्रिस्टिक्स को एक जनरेशन से so, दूसरे जनरेशन में हाँ पास होने में मदद, मदद करते, करते हैं इसीलिए ये कंट्रोलिंग सेंटर है, controlling center है। और दूसरी बात यह कि जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस है दिस न्यूक्लियोलस एक्चुअली इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस मगर ये डायरेक्टली नहीं करता क्योंकि न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है और राइबोसोम्स का, का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना सो so, हमारे बॉडी uh, में चाहे वो प्लान्स हो या एनिमलिस hmm. का काम करता है तो हमारी ट्रू न्यूक्स तभी होगी जो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इफ एनी थिंग जाए न्यूक्लियो वैसे यूशली मेमब्रेन नहीं होती है तो अगर मेमब्रेन मिसिंग होती है तो दैट इज दी एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज द दिस इज द सेल मैं आपको जस्ट खाली इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने क्योंकि डिस्कशन में लेना है कि ये क्या है दिस इज अक्चुअली काइंड ऑफ सेल अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर एक एक करके या yeah. hmm. तो सेल मेम्बरेन साइटोप्लाज माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वैक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम राइबोसोम्स गोल्गी बॉडी एंड सेंट्रियोल जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं देखिए मैंने अभी नाम नहीं दिया लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने बिगनिंग में ये बात कह दी थी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक फ़र्क है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट सेल और इसमें मैंने सेल वॉल की कहीं बात ही नहीं, नहीं करी ही। है तो इसका मतलब ये कौन सी सेल होगी ये आ... एनिमल सेल animal एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान होती है करके. लेकिन सबसे बड़ी पहचान है है कि कि तो आज हम मुझे लगता है कि शायद हमने अच्छे से जो डिटेल हमारा था, वो शायद अच्छे से बच्चों को क्लियर हो गया होगा मैम ने शुरू में एक असाइनमेंट दिया था तो अभी समय है तो बच्चे उसको जरूर क्रॉस चेक करें. हाँ. उन्होंने कितने आंसर सही दिए कितने गलत और कोई क्वेरी हो तो हम मैम मेल करेंगे और कॉल करेंगे तो उसकी जानकारी मैं बच्चों को दे देती हूँ तो अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन पर या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी होगी तो मैम उसको आपका जवाब देंगी डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन थैंक यू सो मच मैम फॉर द सेशन वेलकम मैम तो बच्चों आप लोग कहीं मत जाइएगा इसके बाद हमारे और भी सेशंस से। हैं लेकिन जाने से पहले वी आर प्राउड टू अनाउंस डेट इंडिया इज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अ नेशन Deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it, serve, as it seeks to play an important role by finding pragmatic global services, solutions for the well-being of all and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, that is, world in one family. Thank you.